हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग कल से ही कंटिन्यू चलता आ रहा है, क्योंकि नहाने के बाद, मतलब बाबू को नहलाने के बाद थोड़ा देर तक मैंने लिया था, शूट किया था। उसके बाद से मैं लेट गई थी, आराम की थी थोड़ा सा। और यहाँ पर बाबू का चल रहा है। ये मैं क्यों क्लिप ली थी वो मैं बता दे रही हूँ। ये दीवार में दिखा रही हूँ ना, दीवार पर जो प्रिंट छोटा छोटा मिकी माउस का बना हुआ है वो देख रहा है ये, और उससे बातें कर रहा है और मुँह कर रहा है, मतलब वो मैं सुनाने वाली हूँ अभी। तो मतलब इसी तरह से रुक रुक के ये ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे बात कर रहा है। मुंह में एक उंगली डालने का आदत तो डाल ही लिया हुआ है, लगभग एक महीने से ऐसे कर रहा है। मतलब लगभग चार मंथ में जैसे एंटर किया था शायद उसी टाइम से ये इस तरीके से कर रहा है। एक मुंह में उंगली डालेगा और बोलते रहेगा। और अब तो ऐसा हाल होने वाला है ना कि अभी कुछ भी देखेगा तो ये मुँह में डालेगा, क्योंकि सिक्स मंथ से बच्चे का ये होता है कि कुछ भी देखता है, कुछ भी लेता है, छूता है तो सीधा मुँह में डालता है। तो अभी बस हाथ ही डाल रहा है समझिए, थोड़ा दिन बाद पैर भी डालेगा, अपना पैर लेके, खुद से पैर का जो टोज होता है वो लेकर के और खुद मुंह में डालेगा। दोनों दोनों पैर का, दोनों जो ये अंगूठा होता है वो सीधा मुंह में डाल लेता है। इतना भी होता है बच्चे का, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस है मेरा, फर्स्ट बेबी तो हो चुका है ना, इसलिए मीठी के टाइम का ये सब कुछ याद है मुझे। तो बस बाबू को यहाँ पे सुलाने का कोशिश करी। बस ये एकदम सोने से पहले का ही है, अभी थोड़ी देर में सो ही जाएगा। मैं दिखा रही हूँ कि मतलब किस तरीके से मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ। और दिन में मैं ज़्यादा सोती उती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ऐसे लेट जाती हूँ यहाँ पे बाबू को दिखाने के लिए। इस तरह से मैं वीडियो ली थी, नहीं तो इस टाइम मैं वीडियो भी नहीं लेती हूँ, बस सीधा शाम में ही स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए फिर शाम में आ गई, शाम में बाबू सो के उठा, उसके बाद अपने चाचू के साथ थोड़ा सा घूमता है यहाँ पे। कुछ वो नाश्ता कर रहे थे तो बाबू को गोदी में लेकर के नाश्ता कर रहे थे, तो इसलिए मैं हंसी लगा रही थी कि ये जैसे माँ बाबू को गोदी में लेकर के खाती है ना, उसी तरह चाचू भी बाबू को गोदी में लेकर के तब खा रहे हैं। और ये अपना बातें कर रहा है उसी तरह से, इसका वही तरीका है, एक उंगली मुँह में डालेगा और हूँ करेगा। और बस मैं ही एक हूँ कि वीडियो ले लेके घूमती रहती हूँ। मेरे घर में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता है वीडियो बनाने, और वीडियो वगैरह में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता है, मैं ही हूँ। तो अब क्या करूँ, मेरा नेचर अलग है। तो होता है सब लोगों का, मतलब कि अलग अलग नेचर होता है। तो यहाँ पे ना मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी, उसका एक झलक दिखा रही हूँ। बस एक बार मैंने क्लीन कर दिया है, उसके बाद जो खंगारने वाला काम होता है, मतलब खंगारने करने का मतलब कपड़े भिंगा करके अच्छे से पोंछ रही हूँ, और ये सबको मैं अच्छे से धो दूँगी। मतलब या तो किचन के सिंक में मैं धो देती हूँ, या तो वॉशरूम में भी जा कर के अच्छे से धो देती हूँ। इसमें मतलब कि थोड़ा लगा रहता है चिकनाई वगैरह, क्योंकि गाँव में ना ज़्यादातर दूध, दही, मलाई ये सब फ्रिज में ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर दूध अच्छा वाला मिलता है तो मलाई भी बहुत होता है। मम्मी खूब घी बनाती है भर भर के। और ये सारा नेल पॉलिश वगैरह ये साफ़ करने के बाद मैं दिखा रही हूँ, फ्रिज साफ हो चुका है। मतलब देखिए ट्राईपोड तो है नहीं कि वो भी दिखाऊंगी, ट्राई मतलब कि साफ करते हुए भी दिखाऊंगी, तो इसलिए बस साफ़ हो गया, उसके बाद बस क्लिप ले रही हूँ कि ये साफ़ हो गया, ये साफ़ होने वाला है। और बाबू को मैं यहाँ स्ट्रॉलर में डाली थी, सो गया था, तब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और बस ये उठ गया। मतलब इसका दिन में तो सोना होता ही नहीं, आप लोग बताइएगा आप लोगों का बेबी दिन में नहीं सोता या रात में नहीं सोता? मतलब कि दोनों से ही लोग परेशान रहते हैं, जिनके बेबी रात में नहीं सोते हैं उनका भी नींद पूरा नहीं होता है, वो लोग बोलते हैं कि मैं रात में नहीं सो पाती हूँ, और जो दिन में सोता है तो फिर काम वाम नहीं होता है दिन में नहीं सोता है तो। और ये मैं दिखा रही हूँ बर्तन स्टैंड, जो प्लास्टिक वाला लिया था ना वो वाला, जो मतलब बिना बर्तन रखे मैं दिखाई थी, तो यहाँ इसमें बर्तन रखा चुका है। बहुत ज़्यादा मतलब कि अट सकता है, क्योंकि जैसे कटोरा पर कटोरा चढ़ा चढ़ा के रखेंगे, ग्लास पर तो ग्लास ज़्यादा नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, लेकिन अच्छा है फिर भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सब लोगों के घर में एक स्टील वाला तो बर्तन स्टैंड होता ही है, ये जो है स्लैब पे रखने के लिए, जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है उस पे रखने के लिए बेटर है। आप छोटा मोटा जो कप है, ग्लास है, कटोरा है, ये सब उसमें डाल सकते हैं, चम्मच वगैरह, जो छोलनी वगैरह होता है, करछी वगैरह वो सब डाल सकते हैं, नाइफ़ वगैरह, और जो क्या बोलते हैं चाय छन्नी वगैरह ये सब डाल सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, वही मैं दिखा रही हूँ। चाय बनाने के लिए आई थी तो सोचा कि ये मैंने दिखाया ना, ये तो कल से ही यूज हो रहा है तो आज दिखा देती हूँ। तो चाय बनाने आई हूँ तो याद आया कि आज ना चाय का मसाला आया है, जो कि मैंने ऑर्डर, मतलब ऑर्डर हुआ था, जो ग्रॉसरी में सब कुछ ऑर्डर हुआ था ना उसमें चाय मसाला भी ऑर्डर हुआ था। तो कभी मैंने इस तरह का चाय मसाला यूज़ नहीं किया है, हमेशा से ऐसे ही अदरक इलायची ये सब डालते आ रही हूँ, तो सोचा कि ये डालूँगी, पता नहीं कैसा लगेगा। मैं जिस टाइम चाय बनाई उस टाइम मैं तो नहीं पीऊँ, लेकिन अभी पी कर मतलब कि पता चलेगा कैसा लगा। मम्मी लोग बोली इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं चाय बना ली और मखाना भून रही हूँ, मतलब चाय बना रही हूँ और मखाना भून रही हूँ शाम के टाइम में। नाश्ते के लिए बहुत अच्छा लगता है घी थोड़ा सा डाल करके मखाना भून लो, और उसमें थोड़ा सा डाल दो नमक और मिर्ची,
तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है मिर्ची का कूट। और ये देखिए इस तरह का ये लोटा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें दूध रहता है, मतलब 1 लीटर, मतलब हर तरह का छोटा बड़ा करके आता है। तो देखो यहाँ के फ्रिज में ज़्यादातर आपको दूध, मलाई, दही और ये फिर सॉस वगैरह है जो कि मैं अभी दिखा रही थी, मीठी के लिए सॉस आया है। सॉस ख़राब हो जाता है क्योंकि सब लोग नहीं खाते, फिर भी बड़ा वाला ही आया है। और जैसे कि मिठाई वगैरह भी रहता है क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादातर फेमस है बिहार में बालूशाही, हमारे इधर खास करके सीतामढ़ी साइड में। हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं बिहार में कहाँ से हूँ, पटना से? तो नहीं, पटना में नहीं हूँ मैं, मेरा जो मायका है वो मुजफ्फरपुर और ससुराल है वो सीतामढ़ी में, तो अभी मैं सीतामढ़ी में हूँ। तो शायद वो लोग भी बिहार से होंगे इसलिए वो पूछ रहे होंगे वो लोग। और आज मैंने ये वाला साड़ी पहना है और इस पर एकदम सिंपल से ब्लाउज, देखो सिंपल वाली जो साड़ी होती है ना जो घर में पहनने वाला होता है, उसमें सिंपल वाला ब्लाउज पहना तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हर साड़ी पर का ब्लाउज सिलवाना मुझे ऐसा लगता है एक्सपेंसिव भी हो जाता होगा, क्योंकि अब जैसे कि घर में पहनना है तो जैसे रेड से अगर मिलता जुलता हुआ है तो रेड ब्लाउज सिलवा लो, अगर ब्लैक से मिलता जुलता है तो ब्लैक सिलवा लो, ब्लैक तो वैसे हर साड़ी पे चलता है, तो इस तरह से आप सिलवा लोगे और कंफर्टेबल ज़्यादा रहता है, जो साड़ी पर का ब्लाउज रहता है ना उससे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है ये कॉटन ब्लाउज। तो मुझे ऐसा लगता है ये कॉटन ब्लाउज जो हमेशा रेगुलर वेयर करते हैं साड़ी, तो मुझे लगता है इस तरह का ब्लाउज कॉटन सिलवा के रख लो, आराम से पहनते रहो, क्योंकि ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल, ऐसा लगता है कि कंफर्टेबल है, उसमें अस्तर वगैरह नहीं होता है तो गर्मी भी कम लगता है और उसमें कोई ये जो होता है लेस वगैरह नहीं होता है तो चुभने उभने का भी कोई टेंशन नहीं रहता है। तो वही मैं चाय मसाला डालने के लिए ये वाला ये जो बर्तन है उसमें डाल रही हूँ, तो उसमें मैं लिख रही हूँ क्योंकि स्टील का है, सब एक ही बराबर लगता है कि इसमें जीरा है कि इसमें 5 फोड़न है, सब एक बराबर ना लगे इसलिए मैं लिखी हूँ। वैसे जीरा और 5 फोड़न वगैरह मैं नहीं लिखी हूँ, लेकिन चीनी, चाय पत्ती और चाय मसाला मैं लिख रही हूँ, चाय पत्ती चीनी में मैंने लिखा है क्योंकि ज़्यादा यही चीज़ यूज होता है। और इलायची जिसमें रखा हुआ है वो ऐसे पता चलता है, ऐसे हिलाने से पता चल जाता है कि अच्छा ये मोटा मोटा ये है, लेकिन चाय पत्ती चीनी और ये सब ना बराबर ही मतलब कि ये लगेगा, साउंड देगा तो उसे करने पे। तो बस बन रहा है इधर क्या चाय और मखाना। और सोच रही थी ना कि पहले मैं सोच रही थी कि बाद में मखाना भूनूंगी, मतलब मूड कर रहा था नहीं कर रहा था ऐसा, तो इस वजह से ना पहले मैं चाय बना चुकी हूँ, चाय देखो छान भी रही हूँ, फिर अचानक से मूड में आया कि नहीं नहीं मखाना बना ही लेती हूँ, क्योंकि मतलब एक बगल की ननद भी आई हुई है तो मैं सोची कि बना लेती हूँ। तो फिर से मैं इतना उठा चुकी थी वहाँ से, मैं फिर से मखाना बनाना स्टार्ट की थी और फिर से चाय को गर्म की थी, जब मखाना बन गया था तब चाय को गर्म की थी। और फिर वो बनने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वैसे, क्योंकि भुनने में बहुत कम टाइम लगता है, मखाना को भुनने में तो और भी बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है। तो बस भुनी और फिर नीचे लेकर के गई थी। मैं सोचती हूँ कि जैसे कि खाना बनाती हूँ वो, या फिर कुछ कुछ इधर उधर का सोचती हूँ कि लूँ, लेकिन क्या होता है ना कि देखो आप अकेले रहते हो तो वो माहौल अलग होता है, और जब सबके साथ रहते हो तो कभी कभी हेजिटेशन होता है, कभी कभी जैसे मुझे पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मुझे पता है कि ये मेरा काम है, फिर भी कभी कभी शर्म सी आएगी, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है खुद में मतलब कि एम्बैरेसिंग टाइप से लगता है, आप लोग समझ सकते हो। जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब मुझे भी हो जाना चाहिए एज यूजुअल, क्योंकि मेरा ये काम है मुझे हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो है मैं अपना दिल का बात बता रही हूँ कि थोड़ा सा एम्बैरेसिंग, थोड़ा सा हेजिटेशन होते रहता है कुछ भी करने में, खुल के करने में। वैसे मैं करती हूँ, मतलब समझो ना कि मैं 90% करती हूँ, 100% नहीं कर रही हूँ। जिस दिन मैं 100% करने लगूँगी उस दिन शायद मुझे खुद में सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और शायद जो मैं व्यूज़ चाहती हूँ वो व्यूज़ भी आएगा, क्योंकि जब तक आप 100% नहीं दोगे तब तक कोई आपको 100% नहीं देगा। ये तो मुझे भी पता है, अब नहीं हो पा रहा तो मैं क्या करूँ। तो देखिए ये मेरा प्लेट तैयार हो गया है ये मखाना का, और चाय लेकर के मैं नीचे जा रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैंने इतना कुछ शेयर किया है और ये सब बिना ट्राइपॉड का, मतलब कुछ भी नहीं है, बस कहीं भी अटकाना पड़ता है दीवार के साइड में, या फिर जैसे छत पे जाती हूँ तो वो रेलिंग के पास जो ईटा वगैरह रखा हुआ रहता है वहाँ पे अटका करके तब मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से तो मैं ट्राइपॉड लाई नहीं, यहाँ से जो मैंने ऑर्डर किया था वो टूटा हुआ था, अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है और अभी लगभग 15 दिन होने वाला है।
तो मेरा ऐसे ही चलता जा रहा है। इतना दिन आया हुआ हो गया, मतलब कितने को मैं आई हूँ भी भूल भी रही हूँ, मतलब बोलने टाइम भूल रही हूँ वैसे भूल ही नहीं हूँ। तो मतलब इतना दिन से बिना ट्राईपोड का ही जितना हो पाता उतना मैं शूट करती हूँ, जैसे जैसे हाथ में लेकर के कहीं रख करके। तो मुझे ये इस बात का बहुत दुख है कि मैं अच्छे से शूट नहीं कर पा रही हूँ, अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, और आप लोग भी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हो, इस बात का बहुत दुख है। कमेंट का रिप्लाई मैं कोशिश करती हूँ कि दूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं दे पाती हूँ। आज एक कमेंट आया था कि मैंने उनका रिप्लाई नहीं दिया था, सॉरी, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से सब लोगों का कमेंट का रिप्लाई दूँ। कभी कभी किसी किसी ब्लॉग में छूट जाता है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ पेशेंस रखिए। मैं बस जैसे ही ट्राइपॉड आएगा, क्योंकि हस्बैंड मेरे आने वाले हैं परसों संडे को, तो संडे के बाद का जो ब्लॉग मिलेगा वो ट्राईपॉड वाला मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, तो वेट कीजिए। और बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है। और हमारे इधर होता है दिवाली और छठ पूजा, तो दिवाली का भी ब्लॉग तो शेयर करूँगी ही करूँगी, छठ का भी करूँगी। अभी जितनी भी दिवाली क्लीनिंग हुई है ना, वो शेयर नहीं कर पाई हूँ, मम्मी जी ही सारा क्लीनिंग की है। तो मेरे रूम का जो की थी वो मैंने लिया था, इधर उधर का थोड़ा बहुत लिया था, किचन वगैरह सब कुछ का की है। और आज किसी ने पूछा था कि मेरा दिवाली क्लीनिंग ख़त्म हो गया क्या, या मतलब शुरू हो गया क्या, तो ख़त्म होने वाली है अब, क्योंकि अब बस गेट और जो ये सब बचा हुआ है, गेट ये सब पोछना होता है, बस वो सब बचा हुआ है, सारा कुछ हो गया है। और एक दिन पहले जो होता है और धुल जाएगा, जैसे गेट सब धो के नीचे पोछ वगैरह देंगे। तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा है, इसलिए मैं ज़्यादा शेयर भी नहीं की हूँ, और ट्राईपॉड भी नहीं था तो इसलिए भी नहीं शेयर की हूँ। तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग पेशेंस रखिए, ब्लॉग देखते रहिए, जैसा मैं शूट कर रही हूँ उस चीज़ को समझिए कि मैं कैसे मेहनत कर रही हूँ बिना ट्राईपॉड का भी, और दो बच्चों के साथ कैसे मतलब सब कुछ कर रही हूँ। चाहे कहीं भी आप चले जाओ, बच्चा तो आपके साथ रहेगा ही, तो मतलब इस बात को आप समझ सकते हो। और देखिए अभी मम्मी आ रही है कपड़ा लेकर के, अभी जस्ट छत पर से लाई हैं। यहाँ तुरंत शाम हो जाता है, जैसे 5 बजे ही शाम हो जाता है, और वहाँ मतलब 5 अभी नहीं, 5:30 अभी हो रहा है, देखिए 5:30 में एकदम शाम हो गया है। और हरियाणा में यही 6:30 में इतना शाम होता है, 1 घंटा वहाँ लेट से होता है। तो बस यही है। और ट्राईपॉड वगैरह रहता है ना, तो कपड़ा फोल्ड करते टाइम ये सब का भी अच्छे से ले पाती हूँ, और नहीं रहता तो अच्छे से नहीं ले पाती हूँ, ट्राईपॉड नहीं रहता। जैसे अभी ये देखिए यहाँ पे अभी बेड बेड पूरा ये हटा हुआ है यहाँ से, और आज मैंने हटा दिया है इस पर जो कवर लगा हुआ था उसको, और ये बेड अभी बिछाना है, और ये पूरा जो कपड़े हैं वो सब फोल्ड करूँगी। तो मतलब कोशिश करती हूँ कि जो भी करूँ उसका एक झलक दिखाओ, लेकिन यही है कि ट्राईपॉड नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। अब कितना बोलूँगी ट्राईपॉड नहीं है, ट्राईपॉड नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं भी नहीं अच्छा लगता है तो लाइक मत कीजिएगा, लेकिन पेशेंस रखिएगा, क्योंकि लाइक करने लाइक भी ब्लॉग आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।